गडौरा चीनी मिल ने नहीं किया भुगतान, क्रेशर पर पहुंच रहा है गन्ना। महाराजगंज जिले के निचलोल क्षेत्र के गन्ना किसानों का वर्ष 2021-22 का मूल्य भुगतान नहीं हो सका है, जबकि नए सत्र में जीएचपी शुगर मिल गडौरा चलने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। ऐसे में पहले ही कर्ज से दबे किसान अब नए सत्र के गन्ना की पेराई को लेकर चिंतित है। नई खेती के लिए पैसा नहीं होने से कुछ किसान अपने गन्ने को भाट क्षेत्र अथवा नेपाल ले जाकर क्रेशर पर बेचना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा ने गन्ना किसानों के मेहनत पर पानी फेर दिया, किसी तरह जो गन्ना खेत में बचा है उसे कर्ज लेकर किसानों ने गन्ने को काट कर छील कर फैक्ट्री भेज दिया, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं होने से गन्ना किसानों की हालत खस्ता हाल है। मजदूरी देने के लिए गन्ना किसानों के पास पैसा नहीं बचे, ऐसे स्थिति में किसान चिंतित और परेशान है। बाढ़ क्षेत्रों में गन्ना किसानों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए दर्द बयां किया है। बताइए, क्रेशर चल रहा है, मिल पे क्यों नहीं जा रहे आप लोग? मिल पर जहाँ मिल पर पैसा नहीं दे रहा है तो कौन सी मिल में पैसा फंसा है? गड़ौरा में। कितना है बाकी आपको? 15,000 है बाकी। कितने दिन से नहीं मिला? 3 साल हो गया। तो इस साल गन्ना नहीं देंगे मिल को? नहीं देंगे, जब पैसे नहीं देगा तो गन्ना कैसे देंगे हम लोग? क्रेशर पे गिराएंगे? हाँ। कितना मिलता है क्रेशर पे? क्रेशर अब इतनी टाइम पहले रेट रहल है, अब कम हो गया। कितना है? 2600 का है। 2600 रुपये? हाँ। कहाँ घर है और जो क्रेशर चालू है, गन्ना आप लोग कहाँ देने वाले हैं, मिल पे क्यों नहीं जा रहे हैं? मिल इसलिए नहीं जा रहा, पैसे बाकी नहीं मिल रहा है, क्रेशर पर दे रहे हैं। क्या रुपये क्विंटल क्रेशर पे जा रहा है? वही मान के चलिए 200, 225 यही चल रहा है। मिल कितना देता है? मिल वही 350 देता है। आपका पैसा बकाया है क्या? पैसा बाका है। किस वाले मिल पर? गड़ौरा वाले पे। कितना बकाया है? 20,000। क्या साल से है? 3 साल हो गया।